நீயில்லாத நாளல்ல நாளாகுமா, நீயில்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா. பஹலா ராஜா கா புஸ்தக் 17வாம் அத்தியாய கா பஹலா வசன் ஔர் திஸ்பி எலியா ஜோ கிலாத் கே परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इस वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी. परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा हूँ मैं, उस परिस्थिति को देखेगा. 6 महीना तक वहाँ पानी नहीं है, इतनी अकाल हो गई है. वर्षा का मतलब है परमेश्वर का आशीष. परमेश्वर की आशीषों में वर्षा भी एक है. अगले की वर्षा और पिछले की वर्षा को देख के आशीष देते हैं. मैंने कटनी के पहले परमेश्वर की वर्षा को देता है, पिछले के वर्षा के मतलब कटनी के बाद वो देता है. इस प्रकार उन दिनों में परमेश्वर वर्षा को देख के लोगों को परमेश्वर आशीष दी. अभी 6 महीना तक अभी वर्षा नहीं है. इसका कारण आहाब और यजबेल बाल देवता की पूजा की. इस्राएली लोग परमेश्वर को छोड़ के बाल देवता को आराधना की. परमेश्वर की वादा के अनुसार आप लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए जब तक मैं नहीं कहूँ वर्षा नहीं होगा बोल के उसने. यहाँ पर हम देखते हैं एलिया इतना हिम्मत से बाल देवता का सामने से कहता है. वहाँ पर क्या हुआ, एलिया जैसे कहा 3 साल परमेश्वर उस देशों में, परमेश्वर ने आकाश को बंद की, इसलिए देश में अकाल भयंकर रूप में आ गया. भूख के चलते देश की स्थिति दयनीय हो गया. और यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, आहाब के सामने खड़ा हो के नीडर से एलिया कहता है आकाश बंद हो गया बोल के राजा का सामने बोलना होगा, तो एलिया का कितना हिम्मत है. राजा के सामने खड़ा होने के पहले एलिया उस राजाओं के राजा के सामने खड़ा रहा. इसका मतलब व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर से ज्यादा संबंध रखा, ज्यादा उन्होंने प्रार्थना की, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी मान के, परमेश्वर के लिए डर के, अपने आप परमेश्वर की पंखों के नीचे रख के परमेश्वर के साथ समय को बिताने के चलते वो कहते हैं परमेश्वर के सामने रहा. प्रार्थना में सौंप के अपने आप को दीन और नम्र बना के इतने परमेश्वर के साथ संगति रखने के चलते एलिया कहता है मैं परमेश्वर के सामने से कहता हूँ, इसलिए परमेश्वर ने उसकी बात मान के आसमान को बंद की. इसको सुनने वाले मेरे प्रियो, परीक्षा में यदि हमें विजय पाना है तो परीक्षा में विजय पाना है इसका मतलब सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें झुकना चाहिए. प्रभु के वेदी के पास आके अपने आप को यीशु के लहू से शुद्धिकरण करके प्रतिदिन प्रार्थना जीवन में लगे रहेंगे. यीशु कहता है तब तुम सारे परीक्षाओं को सामना करोगे. किसी भी राजा के सामने खड़ा हो सकते हैं, किसी भी अधिकारी के बीच में जो है हम खड़ा हो सकते हैं, तब शैतान को सामना करेंगे, तब तुमसे वो बाघ निकल जाएगा. हालेलुया हालेलुया.